दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर एक खबर का पीएम मोदी समर्थक और बीजेपी समर्थक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे कि पीएम मोदी को कुछ राज्यों के सचिवों ने और कई आईएएस ने मीटिंग में कहा है कि अगर भारत में मुफ्त की राजनीति यूं ही चलती रही तो भारत के कुछ राज्यों का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा, यानी कि कुछ राज्य जो मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं वहां भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा, वो राज्य दिवालिया हो जाएंगे। इस खबर के माध्यम से कहने की कोशिश ये थी कि केजरीवाल मॉडल देश को बर्बाद कर रहा है, देश के राज्यों को बर्बाद कर रहा है। दिल्ली और पंजाब सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना भी की गई थी उस वक्त। दिल्ली वालों को तो अब तक कहा जाता है ये जो है ना, ये बिजली पानी वाले मुफ्त खोर है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से चलाई गई ये खबर दरअसल महंगाई से आपका ध्यान हटाने के लिए थी। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए खुद बीजेपी ने मुफ्त वाली राजनीति का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिल्कुल केजरीवाल मॉडल को कॉपी करते हुए एक तरह से मिनी पैकेज का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो इसी रास्ते पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है हिमाचल के लोगों के लिए। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं का किराया मुफ्त किया, खत्म किया, तो हिमाचल प्रदेश ने भी अब जब चुनाव सामने खड़े, इसी साल चुनाव है हिमाचल में, तो ये महिलाओं के लिए सरकारी बसों में किराया आधा करने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए पानी का बिल भी माफ कर दिया गया है, बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दिल्ली की नकल करके आज हिमाचल की भाजपा सरकार ने ये घोषणाएं की हैं। भाजपा ये ऐलान सभी भाजपा शासित राज्यों में करे, नहीं तो लोग मानेंगे कि आपके खौफ से चुनाव के पहले ये फर्जी घोषणाएं की हैं, चुनाव के बाद ये वापस ले लेंगे। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नकल करने की कोशिश है। केजरीवाल जी का इतना खौफ, अभी तो केजरीवाल जी ने मंडी में एक रोड शो किया था, इतनी जल्दी इतने खौफ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की केजरीवाल जी की योजनाओं को आधे अधूरे बेमन से लेकिन कॉपी करने की कोशिश करने लगी। 18 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अनाउंस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप तो हारने वाले हो वहाँ पे। बीजेपी की ये घोषणाएँ दिखावा है, धोखा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी है, इसका कोई मतलब नहीं है जनता को कोई चीज़ सस्ते में देने का या जनता को महंगाई से बचाने का। वो जनता को किसी भी तरह की कोई सुविधा देने में भारतीय जनता पार्टी कभी यकीन नहीं रखती। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि मुफ्त की राजनीति की जो आलोचना कर रहे थे, आखिरकार बीजेपी जैसी पार्टी को मुफ्त की राजनीति का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? दरअसल हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा इन्हीं उपचुनाव में हार के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भी थोड़ी बहुत कमी की गई थी और कहा गया था कि शायद केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई को लेकर जो जनता के बीच में नाराजगी पनप रही है उसका आभास हो गया है। लेकिन देखिए आभास हुआ हो ना हो, मुफ्त का मॉडल अब हर राज्य चला रहा है। आप हिमाचल प्रदेश सरकार के केजरीवाल मॉडल अपनाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।